अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद से ही लगातार आरोप लग रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के पीछे रूसी हैकर्स का हाथ है। तमाम आरोपों के बीच मामले की जांच भी जारी है और आए दिन इस केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं। बुधवार को भी एक अमेरिकी अधिकारी ने ऐसा बयान दिया जिससे डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ओबामा प्रशासन का कार्यकाल खत्म होने तक होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की कार्यवाहक साइबर सिक्योरिटी की डिप्टी अंडर सेक्रेटरी जीनेट मैनफ्रा ने कांग्रेस को बताया है कि साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में रूसी हैकरों ने 21 चुनावी प्रक्रिया को निशाना बनाया था और इस मामले से अमेरिकी एजेंसियों का ध्यान भटकाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के साल 2005 के आपत्तिजनक वीडियो वायरल किए गए थे जिससे एजेंसियां उसी में उलझी रह गई और रूस की हैकिंग पर गौर नहीं किया। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि इससे किसी भी वोट को इधर से उधर किए जाने के कोई सबूत नहीं है। वर्तमान में यूएस हाउस इंटेलिजेंस कमेटी राष्ट्रपति चुनाव में रूसी हैकिंग की जाँच कर रही है। वहीं अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भी माना है कि रूस ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को हराने के लिए इस हैकिंग को अंजाम दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से ही अब तक रूसी हैकिंग का मामला डोनाल्ड ट्रंप के गले की फांस बना हुआ है। इसी के चक्कर में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को अपने एक एनएसए को भी पद से हटाना पड़ा था। इसके अलावा एफबीआई प्रमुख रहे जेम्स कोमी को भी ट्रंप ने उनके पद से हटा दिया। वह रूसी हैकिंग मामले की जाँच कर रहे थे। तो यहाँ अमेरिकी अधिकारी ने बताया है कि हैकिंग से ध्यान भटकाने के लिए ट्रंप के पुराने आपत्तिजनक वीडियो वायरल किए गए थे लेकिन आगाह करने के बावजूद एजेंसियों ने ध्यान नहीं दिया। अधिकारी का यह बयान डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। फिलहाल सच क्या है ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। देखते रहिए डीबी लाइव।